दिल्ली एनसीआर से लाखों की संख्या में लोग बिहार और पूरब की तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लिए हर साल छठ और दीपावली मनाने के लिए जाते हैं और उसकी तैयारी रेलवे खास तौर पे करने की शुरुआत कर चुकी है। और इस वक्त हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हैं और आनंद विहार रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर का आप ये अगर आप सर्कुलेटिंग एरिया देखिए तो ये विशेष तौर पे जो पंडाल बनाया गया है ये छठ में पूरब की तरफ जाने वाले लोगों के लिए विशेष तौर पे बनाया गया। और आप मेरे पीछे जो टीवी स्क्रीन पे आप छठ के जो गीत संगीत आप देख रहे हैं एक तरह से पूरे माहौल बनाने की कोशिश की गई। हालांकि ज़्यादातर लोग दीपावली और दीपावली के आसपास जाना शुरू कर देते हैं और ये सिलसिला जो फेस्टिवल है छठ उसके ठीक पहले तक चलता रहता है और बहुत सारे संख्या में लोग आते हैं इसके रुकने के लिए। और खासकर इस साल जब कोविड की महामारी है तो विशेष तौर पे ये तमाम व्यवस्था की गई। कुछ परिवार है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे जो कि कहाँ जाना आपको छठ के लिए जा रहे हैं लेकिन गीत बजना अच्छा है ठीक है मतलब पहले तो छठ का गीत तो घरों में लोग बजाते थे, अब तो स्टेशन पे बज रहा है। बिहार के लोग ज्यादा महसूस कर रहे हैं यहाँ दिल्ली लेकिन मतलब लगता है कि छठ शुरू हो गया। चलिए एक और परिवार है जो कि कुछ बहुत सारे परिवार और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके परिवार के लोग खुद बिहार में रहते हैं और यहाँ काम काज के सिलसिले में काम करते हैं और इसके बाद वो लोग जाते हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेंगे। छठ के लिए घर जा रहे थे, कहाँ से आ रहे आप लोग? रियासी में क्या करते हैं आप वहाँ पे? अच्छा वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो श्रीनगर के लिए प्रोजेक्ट जो काम चल रहा है आप सब वहीं से सब उसी में काम कर रहे हैं? तो इस बार लॉकडाउन में क्या काम हो रहा था कि कैसा था? काम था, काम कंपनी में अच्छा से रखा लॉकडाउन में। जब कंपनी ने छुट्टी दिया दीपावली में छठ पूजा में जाओ, ये माहौल पूरा अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, शांति भी है, बहुत अच्छा लगा हुआ है कोरोना। चलिए बिल्कुल एक पूरा माहौल देने की कोशिश है और मैं आपको बताऊं किस तरह के तमाम लंबे टीवी स्क्रीन पर छठ के गानों से लेके जो जरूरत के सामान है और जो सूचनाएं हैं और इस बीच बीच में इस पूरे सिस्टम में रेवेन्यू मॉडल के तहत कुछ एडवर्टीजमेंट भी चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो छठ की तैयारी है वो भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू कर दी गई है। और इसके साथ एक जानकारी दे दें कि अमूमन साल में इस समय में दिल्ली और एनसीआर के आसपास से भारतीय रेलवे की तरफ से तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थी जिसमें लोग अनरिजर्व टिकट लेके भी जा सकते थे लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए रेलवे ने सुनिश्चित किया है कि जितने भी लोग जाएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग और जितने ट्रेन बर्थ होता है उतनी ही लोगों को बिठा के ट्रेन चलाई जाएगी और जितनी भी ज़रूरत है लोगों की उतनी ट्रेनें भारतीय रेलवे की तरफ से मुहैया की जाएगी। अपने कैमरे सहयोगी सुनील के साथ गुरदन सिंह, ह्यूस्टन फोर दिल्ली।